राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये संकट वाले दिन का व्लॉग नहीं है, उसके नेक्स्ट डे का ही है, अगले दिन का व्लॉग है। क्योंकि उस दिन जो है बस थोड़े से लाई के लड्डू बन गए थे और बाकी नहीं बने थे, क्योंकि उस दिन काम बहुत था। और वैसे भी हमारे यहाँ संकट जी की पूजा नहीं होती है। पूजा मतलब मम्मी बताती हैं कि मम्मी जब शादी करके आई थी उससे पहले से भी उनकी सासू माँ भी बताती थी कि पूजा नहीं की जाती है अपने परिवार में। तो वैसे ही परंपरा चली आ रही है कि संकट की पूजा नहीं की जाती है, और सिर्फ जो है जो बनता है लड्डू वगैरह तो वो सब बन जाता है, बस पूजा नहीं होती है। इसीलिए जो है थोड़े बस लाई के लड्डू बन गए थे, क्योंकि त्यौहार था तो खाली दिन नहीं जाना चाहिए था, इसलिए थोड़े से लड्डू बन गए थे। फिर आज जो है बाकी के लड्डू आज बनेंगे। तो ये शाम टाइम का लगभग 3-3:30 बज रहे होंगे, 3 बजे विराट आता है वैसे शायद, तो इतना ही टाइम हो रहा होगा या उससे पहले से होगा, क्योंकि तैयारी तो हो रही थी। और विराट भी स्कूल से आ गए हैं, इनकी ड्रेस वगैरह निकाल देंगे और फिर जो है लड्डू बनाएंगे। पहले इनकी ड्रेस निकाल दें, इनको जो है पानी वगैरह दे दें। और बता रहे हैं हम अंदर ही थे और खुद से ही गाड़ी से उतर करके आ गया, हम टाइम नहीं देख पाए काम के चक्कर में। तो बता रहा मम्मी हम बड़े हो गए हैं, अब ना हमें लेने मत आया करो गाड़ी के पास, हम खुद से चले आएंगे। तो वही कह रहे थे कि नहीं बेटा आज हमें ध्यान नहीं रहा, तो ये मत कहो कि नहीं आया करो लेने। ये देखिए मम्मी पाग रखी हैं, गुड़का पाग रखी हैं लाई का लड्डू बनाने के लिए, तो अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और विराट की ना खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि लड्डू बन रहे हैं, खाने से ज़्यादा उसको बनाने का शौक़ है। तो इसीलिए जो हमने कहा कि जो है पहले साबुन से हैंड वॉश कर लो, क्योंकि बच्चा है मानेगा नहीं, खाने पीने वाली चीज़ है तो छुएगा ज़रूर, और बच्चों के हाथ तो वैसे भी स्कूल से आया है तो गंदे तो होंगे ही, और बच्चे घर में रहें या बाहर रहें हाथ वो बहुत जल्दी गंदे कर लेते हैं, वो तो मानते नहीं ना सामान छू लेते हैं खेलने कूदने में। तो इसीलिए हम पहले ही उसके हाथ बोले धुल लो जा कर के, और इसमें पानी की ज़रूरत थी थोड़ा, इसमें नहीं डालना था, कढ़ाई में डालना था। तो वही जो है आर्यन ले आया, तो वही गुस्सा कर रहा था कि हम जाएंगे तो वही लेने गया है, और यहाँ पर पाग रेडी हो गया है। तो दोनों बर्तन में आधा आधी आधी लाई डाल दी गई है, इसको लैया भी बोलते हैं, लाई भी बोलते हैं और मुरमुरे भी बोलते हैं बहुत लोग। तो और पाग भी आधा आधा ही डाल दिया गया है, तो हमसे नहीं बन रहा था, क्योंकि वैसे तो हम सच कहें तो हम कभी हमारे मायके में ये सब नहीं बनते हैं, तो हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं। और शादी के पहले दिन ही जो है हमारे सामने पहली बार बने थे, उसके बाद तो हम जब भी तिलवा पढ़ते हैं तब हम मायके में ही, ऐसा हो जाता है कि मायके में ही रहते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा नहीं आता ये सब बनाना, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, सीखना तो पड़ेगा ही। मम्मी कब तक बना बना के हम लोगों को देंगी, तो इसीलिए जो है थोड़ी सी जो है कोशिश कर रहे हैं बनाने की। तो हम छोटे ही छोटे बना रहे थे, क्योंकि बच्चे हैं ना थोड़ा खाते हैं और फेंक देते हैं, जब तक ज़्यादा रहेंगे तब तक जो है यही ड्रामा रहेगा, और जब थोड़े बचेंगे तब कहो पूरा खा ले, लेकिन अभी तो आधा खाएंगे, आधा से ज़्यादा तो फेंक देते हैं, इसलिए कहते कि छोटे छोटे बनाओ, जिसे मार्केट में बनते हैं आते मार्केट में बिकने के लिए, वैसे छोटे रहते तो अच्छे लगते हैं। लेकिन मम्मी कह रही थी जल्दी जल्दी बना लो, नहीं तो पाक थोड़ा सा टाइट था तो फिर बनाते नहीं बनेगा, जितने बड़े बन जाए बस उतने बड़े बना लो, छोटे बड़े
सब तरीके से बन जा रहे थे। वैसे कोई मार्केट में बेचना नहीं है, घर में खाना ही है, तो साइज का बिल्कुल भी ध्यान कोई नहीं दे रहा था। बजट से बन पा रहे थे वैसे बन जा रहे थे फटाफट, और बहुत ही अच्छे बने थे। मतलब पाक बहुत अच्छा था, बहुत ही मीठे नहीं थे। ये नहीं जैसे मार्केट में जो बनते हैं तो उनका रेशियो ऐसा रहता है जैसे 1 किलो लैया है और 1 किलो गुड़, ऐसे रहता है, तो बहुत जल्दी मन भर जाता है। ये देखिए रेडी हो गए, आप भी आ जाइए खा लीजिए आकर के। और फिर ये वाले जो घर में मम्मी बनाती हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहते हैं, बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं और मीठे कम रहते हैं। आप खा लेंगे 1-2 लड्डू खा लेंगे आराम से, आपका मन नहीं भरेगा, इतने मीठे नहीं लगते हैं। और अब जो है मम्मी दूसरे लड्डू की तैयारी करने जा रही हैं। वैसे इनको पिड़िया बोलते हैं, लड्डू नहीं, ये पिड़िया बनेंगी। तो इसमें मम्मी पहले से ही तैयार करके आटा रख ली थी, गेहूं का आटा मिक्स की है मम्मी, और इसमें जो है रवा है, सूजी है इसमें, और चावल का आटा थोड़ा है, वो सब एक साथ मिक्स कर ली है। और उधर पाक तैयार हो रहा है, तो मम्मी वही बता रही थी कि इसका पाक बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करते हैं, जैसे लाई के लड्डू के लिए बनाते हैं वैसा नहीं करते हैं। इसमें तार वाला नहीं बनता है, पतला ही रहता है, इतना गाढ़ा नहीं रहता। और ये बहुत ही जल्दी, मम्मी बता रही थी कि ये ना पिड़िया जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो डिलीवरी होने के बाद उनको ये लड्डू पी और ये इनको पिड़िया बोलते हैं वैसे तो, मतलब मेरे मुंह से पिड़िया ही निकल रहा है। वैसे ये लड्डू भी बहुत लोग बोलते हैं, तो ये लड्डू खाने चाहिए क्योंकि इन इसमें जो है सौंठ वगैरह ये सब पड़े रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है उनकी हड्डियों के लिए भी। और जो सर्दियों में जो है ठंडियों में डिलीवरी होती है तो उनको सर्दी से भी बहुत ज़्यादा बचाता है, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वाली चीज़ है। तो बताती मम्मी जो सौंठ होती है ना तो कड़वी लगती है, तो बहुत लोग कड़वाहट की वजह से नहीं खाते हैं बल्कि उन्हें खाना चाहिए, वही मम्मी बता रही हैं और हमें बताते जा रही हैं कि देखो अभी अभी नहीं तैयार हुआ है, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो बस वही मम्मी बताते जा रही थी और काम भी हो रहा था। देखिए ना मम्मी, सासू मम्मी हमारी कितनी अच्छी है ना, जो काम हमें करना चाहिए वो काम वो मम्मी कर रही है। हम तो डर ही गए थे कि कहीं मम्मी की मेहनत पर पानी तो नहीं हम फेर दिए, तो फिर हमने कहा मम्मी क्या खराब हो जाएगा ऐसा हम कर दिए थे तो नहीं बनेगा लड्डू, तो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बन जाएगा बन जाएगा, फालतू की टेंशन ना लो बन जाएगा। वैसे जो है पहले बीच में डालते हैं, उसके बाद साइड साइड से जो है उसको ढक देते हैं, तो इधर उधर बहने नहीं पाता है और आराम से फिर जो है मिक्स
करते बनता है। वही मम्मी कह रही है कि आधा से ज़्यादा अभी एक साइड रख दो, फिर एक साथ बनाते नहीं बनेगा, रगड़ते नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से दोनों हथेलियों से जो है इसको रगड़ना रहता, तब जा कर के जो गुड़ का पाग है तभी वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और पेड़िया बनाते बनती हैं। तो दीदी को भी बुला लिए थे, तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ये लड्डू गरम गरम ही बन पाते हैं ठंडे होने के बाद, फिर ये बनते नहीं हैं। तो वही फिर दीदी भी अपना सारा काम छोड़ कर के आ गई थी कि बनवा ले तो पेड़िया बन जाएंगी। फिर अभी तो चाहे काम शाम के काम भी शुरू हो जाएंगे और ये सब चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। और फिर ये देखिए पेड़िया बन गई हैं, आ जाइए आप लोग खा लीजिए अगर के। और उसके बाद फिर हम झाड़ू लगाने लगे थे तो अंदर से झाड़ू लगा लाए हैं, बस इतना रह गया है, इधर भी लगा लेंगे। और शाम का समय है तो झाड़ू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लें, और भी काम अभी बाकी है। मम्मी यहाँ पर चूल्हा बनाने की तैयारी कर रही है, तो अभी स्टार्टिंग कर दी है। एक बार में ही नहीं बनता है, हम बाहर आए थे कूड़ा फेंकने तो देखा मम्मी चूल्हा बना रही थी, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। तो वही मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी ये दिखा दो कि कैसे बनता है, वही बता रही थी कि इसको बस बन गया, हम थोड़ा लेट कर दिए तो फाइनल टच दे रही थी। और हम कहते कि मम्मी बनाई थी तो पहले हमें आवाज़ लगा देती तो हम दिखा देते कि कैसे बनाते हैं। और इनका भी साथ साथ में काम जारी है, ये भी जो है मम्मी को देख कर के नकल कर रहे हैं, चूल्हा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने ढेर सारे मिट्टी के चूल्हे क्यों बना रहे हैं, तो बताएंगे, ज़रूर बताएंगे कि ये इतने सारे मिट्टी के चूल्हे क्यों बना रहे हैं। और फिर जो है यहाँ पर बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि अगर कोई भी थोड़ी सी चीज़ बनाओ ना तो बर्तन तो हो ही जाते हैं, वैसे लड्डू में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, कई बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। और थोड़े से खाने पीने के भी बर्तन हैं दोपहर के, तो अभी बर्तन भी धुल के रख देंगे। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे डेली की डेली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और न्यू ब्लॉग्स हम आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो को लाइक किए बगैर प्लीज़